गोपी कहाँ है? कहाँ है? Why? आइए 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 चौकी में। अबे कहाँ आ रहा है साले, कहाँ मर गया था इतनी देर? मम्मी जी सारी रात नींद नहीं आई जी। क्यों साले, हैं बीवी के पांव दबा रहा था? नहीं जी, कल ना जी मैं कल्पना। ओहो कल्पना, ये कल्पना कौन है यार, तेरी नई आइटम? ओ कल्पना सील प्राणी। अबे बात पूरी कर लें दे ना, छोरी का जो है नाम आते ही कन्वर्सेशन में ऐसा कूद पड़े जैसे मूंग की दाल की बड़ी ही कढ़ाई में। बोलिए। कल ना जी मैं अपना खुल के बोल ले। कल ना जी मैं कल्पना थिएटर में ना जी एक हॉरर फिल्म देखने गया था जी, मुर्दा बोला दरवाजा फाड़ के। तो ओ, फिल्म देख के जी मैं इतना डर गया भी सारी रात मुझे नींद नहीं आई जी। सुबह 6 बजे नींद आई इसलिए मेरी जाग नहीं खुली जी। अरे मैडम वो फिल्म तो बहुत ही डेंजर है मैडम, बहुत ही हॉरर फिल्म है वो। मैं भी गया था कल्पना टॉकीज वही फिल्म देखने, पर सिर्फ इतना है मैडम कि वो फिल्म देखते हुए मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं वो कल्पना टॉकीज में ही सो गया। हाँ जी जी मम्मी जी, वो इतनी डरावनी फिल्म है जी, रात को ना बाजू में मेरी बीबी सोई हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल सोई हुई हो। निकला नर्सरी के बच्चे पाल रखे हैं मैंने यहाँ, कुछ ना होता भूत भूत। बात है, भूत होते हैं चंद्रमुखी जी। अच्छा भूत हो गए? हाँ। आपने देखे हैं? ऑफ कोर्स देखे। क्या है चंद्रमुखी जी, जब मैं गांव में था ना तो मेरा कमरा जो है ना वो छत पर था, रूफ पर, और वहां एक भूत था जो अक्सर आके लोगों को तंग करता था, यू नो। उसकी किस्मत खराब थी, एक दिन वो मेरे सामने आ गया। मैं क्या गरम खोपड़ी का था ना, अरे मैंने झट से पकड़ा, फट से उसको खटिए से बांध गया। क्या मुझे जंत्र मंत्र आता था ना, 3 साल तक जब तक कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की ना, रोज रात को मैं पढ़ाई करता था, वो मेरे लिए चाय पकाता था। सर अब ये कुछ जरा ज्यादा हो रहा है सर। तुझे क्या लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? मैं सच्ची कह रहा हूं, भूत होते हैं और मैं डरता नहीं क्योंकि मैं बहादुर हूं, स्ट्रॉन्ग मैन। एक मिनट मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने आपके मुंह पर आपको चुड़ैल कह रहा है? अरे कहना ही था तो पीठ के पीछे कहता ना, मतलब ओवर एक्साइटेड जिप इट। मम्मी जी खून तो मेरा भी खौल रहा है, इसने आपको चुड़ैल कैसे कहा? खून इज खोलोइंग भाई, खून खोल रहा है मतलब खून है ना। मन ने तो लग रहा था कि ठंडा हो गया खून। सॉरी भयभीत आत्मा, कौन है तू? भयभीत आत्मा नहीं मैडम, आत्मा से भयभीत हूँ। व्हाट? नहीं देखो यही होगा बेटर कि तुम जल्दी बताओ क्या है मैटर। मैडम मैं नीडर हूँ। अच्छा न मन ने तो घना ही भयभीत का यार, एकदम काउबर्ड सा दिखे तू। मैडम मेरा नाम है नीडर बहादुर मंजन बेच के। नहीं ऐसा कैसा मंजन, और किसको बेच दिया जो इतना डर गया है बिल्कुल ही। एक मिनट बस, नहीं तुमने भी वो कल्पना टॉकीज में लगी हॉरर फिल्म मुर्दा बोला दरवाजा फाड़ के तो नहीं देख ली? मैडम उसमें चुड़ैल देख ली होगी इसने, इसलिए डरा हुआ है। अरे मैं वो फिल्म की चुड़ैल देख के नहीं डरा हूँ, मैंने असलियत में चुड़ैल देखी है मंजन बेच के। अब
अबे चौकी में आके यहीं के जो है बंदों ने डराए ले रहा है तू साले। अरे मैं कहाँ डरा रहा हूँ मैडम, मैं खुद डरा हुआ हूँ मंजिल बेच के। एक मिनट यार बॉस, देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का लट्टू जल गया ना तो वो एक नंबर की जुल्म की जीनत, मेरा मतलब है अत्याचार की ऐश्वर्य, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार तुम। बोलो मैडम, हुआ ये कि मैं दांत रगड़ मंजन का सेल्समैन हूँ और मुझे ना कासगंज गांव में डिलीवरी देने जाना था। अब कासगंज गांव के लिए घबराहट पूर्व से सिर्फ दो ही बस निकलती है, एक सुबह 4 बजे और दूसरी रात को 12 बजे। अब somehow सुबह 4 बजे की बस मुझसे मिस हो गई, इसलिए मैंने रात को 12 बजे की बस पकड़ी और मैं बस में बैठा और बस चल पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने जैसे बस में पैर रखा तो मैंने देखा कि 2-4 और पैसेंजर हैं, मैंने टिकट निकलवाई और बस चल पड़ी हाईवे नंबर 13 पे। अचानक मैडम, अचानक मैंने क्या देखा कि बस के बिल्कुल सामने एक चुड़ैल खड़ी थी सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। हम सब लोग डर गए, घबरा गए, भगदड़ मौज गई, सारा सामान वहीं पे गिर गया मैडम और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बेहोश हो गए। भाई एक मिनट, आर यू ट्राइंग टू से कि भैया हाईवे नंबर 13 इज हॉन्टेड, न मतलब वहाँ आत्मा भटके? हाँ मैडम, हाँ, और उसी की वजह से मेरा सारा सामान वहीं पे रह गया और उस सामान में मेरे पैसे भी है और वो मंजन के बॉक्सेस भी है मंजन बेच के। सही है, ये तो घना जो है हॉरर टाइप केस दिखे मन्ने भूतिया। एक काम करो, जरा वो कंडक्टर बस का और ड्राइवर को साले को बुलवाओ। नहीं नहीं नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, वो ऐसे करता हूँ। इसको पिलवाओ, जरा पानी वानी पिलाओ, कुछ कॉमेडी फिल्में वगैरह दिखाओ इसको, जरा फ्रेश करो साले को। अंकल ये मास्क आपको कोई बबल गम के साथ फ्री में लाए क्या? अरे यार ये मास्क नहीं है, ये मेरा असली फेस है, असली फेस, असली चेहरा, देख खींच के देख। ओह सॉरी, मुझे लगा आपने जोकर का मास्क पहन रखा है। मैडम यही है दोनों। हाँ भाई, कासगंज वाली बस के जो है ड्राइवर और कंडक्टर तुम दोनों। मैडम मेरा नाम गुड्डू कंडक्टर है, टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ एक मिनट एक। और मेरा नाम बबलू ड्राइवर है, हॉर्न बजा के पॉप पॉप। भैया सही वो आदमी क्या कह रहा? नहीं वो कह रहा है कि हाईवे नंबर 13 पे जो तुम्हारी चल रही है ना कासगंज वाली बस, ना उसमें यो चढ़ा था आपने बस स्टॉप से, और फिर जो है कह रहा है कि वहाँ। बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, बिल्कुल एकदम। टिकट लो भैया। क्यों बबलू? हाँ वो एक मिनट। अरे यार सही कही मैडम, उसी आत्मा की वजह से हाईवे नंबर 13 से लोगों ने गुजरना छोड़ दिया हॉर्न बजा के पॉप पॉप। क्यों गुड्डू? हाँ हाँ मैडम, देखो हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हमारी नौकरी है, वैसे हाईवे नंबर 13 से गुजरना कौन चाहता है। टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ एक मिनट। अरे यार नहीं चाहिए टिकट, पहले ये बताओ कि वो हाईवे नंबर 13 का राज क्या है। राज बहुत पुराना है, गांव वाले कहते हैं हॉर्न बजा के पॉप पॉप कि आज से 50 साल पहले एक लड़की जिसका नाम रूपा था, इसी हाईवे नंबर 13 पे उसने अपनी जान दे दी थी। क्यों गुडू? हाँ क्यों भाई, जान क्यों दे दी थी? अरे वो इसलिए दे दी क्योंकि रूपा ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी ने जो है धोखा दे दिया, अब उसकी आत्मा मैडम हाईवे नंबर 13 पे जो है भटकती रहती है और लोगों को दिखाई देती है, अब लोग उसे देखते हैं या तो भाग जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ हाँ जैसे मैं बेहोश हो गया था मैडम दूर झाड़ियों में मंजन बेच के। और लोगों का सामान? अब हमें क्या पता मैडम, अब लोग अपना सामान लेके भागते हैं, इधर उधर गिर जाता होगा हॉर्न बजा के पौ पौ। क्यों? हाँ हाँ, और वैसे तो हम लोग जो है दोनों बेहोश हो जाते हैं। टिकट लो नहीं चाहिए यार। हाईवे नंबर 13, रूपा की आत्मा कासगंज। चलो निकलो फिर बुलवाएंगे। ठीक है मैडम, हॉर्न बजा के पॉप पॉप। चलो गुडू, चलो बबलू, टिकट लो भैया। कबाड़ी 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 कबाड़ी। भाई ऐसा है कि इस हाईवे नंबर 13 का राज जानने के लिए हम में से किसी एक को इस बस में सवारी करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना मैडम, करेंगे।
मैडम आपकी इस बात पर मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटिल चुटीला घंटू घंटीला एड़िया आ गया। तो मंदिर के घंटे को उतार के तैने टांग दूंगी माँ, फिर देगा एड़िया। तो जरा कोने में तो आइए। सुनिए मैडम, मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना इस काम के लिए हम सर को भेज दें। मैडम उन्होंने खुद ही कहा था कि 3 साल उनके घर पे एक भूत उन्हें चाय बनाकर पिलाता था। क्या? अरे पागल हो गया क्या? अरे मैंने उस हाईवे नंबर 13 के किस्से सुने हैं, चूड़ेल भटकती है वहां। सर आपने ही तो कहा था कि आपको भूतों से डर नहीं लगता। मैंने कहा था मुझे भूतों से डर नहीं लगता, वहां चूड़ेल भटकती है, चूड़ेल से मैं डरता हूँ भाई। आई एम नॉट अ लेडीज मैन। ठीक है सर, ठीक है आप सोच लीजिए सर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस केस में आपने मैडम का साथ दिया तो गल जाएगी आपकी दाल, मैडम बनेंगी आपकी सोनी और आप बनेंगे महिवाल। बाकी आपकी मर्जी। तुम्हें लगता है सर? अरे सर, सर ऐसे निडर आदमी से कौन सी लड़की इंप्रेस नहीं होगी सर, शी विल बी फ्लैटर्ड। ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता हूं मैं यार, क्या करूं मैं। ठीक है अगर ये बात है तो मैं ये रिस्क, मेरा मतलब है मैं जाने के लिए तैयार हूं। आई विल गो, आई विल। मैं उस बस में बैठूंगा जो हाईवे नंबर 13 से गुजरती है। गुजरती है पासेस अवे। ट्रांसलेशन है सर। आई विल, आई विल। सर हो गए रेडी? हाँ सर, एक कैमरा ले जाना साथ में। क्यों? अगर वहां आपको चुड़ैल दिखाई दे एक फोटो खींच लेना, क्योंकि मैंने कभी चुड़ैल देखी नहीं। तो तू भी चलना साथ में। कैंसल, अबे चलना, अबे चलना। सर सर मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं कितनी घनी खुश हूँ कि आप जा रहे हैं? इसी मुंह से बता दीजिए ना। हाँ दरअसल क्या है, मुझे आपका ये मुंह बहुत अच्छा लगता है। सर कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है नहीं, लग रहा है नहीं, लग रहा है। दरअसल क्या है, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत नीडर हूँ, नीडर। नीडर तो मैं हूँ। अबे काहे का नीडर है तू? निडर हो रहे हमारे सर जी। अबे तैने कोई ना बेरा, यो जो है जंतर मंतर सब इन्हें पता है, और यो जो है ना इनके बस में एक भूत था जो 3 साल इनके लिए उस भूत ने चाय बनाई है। आया बड़ा भाईला, भाईला। सर एक काम करिए, इसको भी साले को लेके जाइए। मैं फिर क्यों? हाँ यार तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा ना। अब सर कहीं हाईवे नंबर 13 की जगह हाईवे नंबर 14 या 15 पे चले गए तो, और वो कासगंज की बस की जगह उन्होंने बरेली की बस पकड़ ली तो मैं चलूं चंद्रमुखी जी? बेस्ट ऑफ चुड़ैल सर, आई मीन बेस्ट ऑफ के ओवे लक। थैंक यू। जाइए, विजयी हो के आइए। हाँ, थैंक यू। चल बेटा चल, आप आगे जाइए ना। अच्छा हाँ। चल साथ में ही चलते हैं। चल भाई, अगर वापस आए तो प्रोफेशनल फायदा, और अगर ना आए तो पर्सनल। आई लाइक यू यार, लेट्स गो। 12 बजे क्या? मैंने 12 बजने को आए, अभी तक बस नहीं आई। आएगी आएगी, बस स्टॉप है तो बस भी आएगी। कोई बात नहीं। अंगड़ाई ले रहे हैं, जब शरीर दुखता है तब अंगड़ाई लेते हैं। अच्छा, वो टाइम भी मैंने वो दिन भी इसने ली थी इसी तरह अंगड़ाई। अच्छा उस दिन भी था ये? हाँ। अच्छा ये बताओ, वो जो चुड़ैल है, चुड़ैल है दिखती कैसा है? मतलब दिखने में कैसी है वो? उसका वार कैसा होता है, कहाँ होता है? यहाँ गर्दन के पास ऐसे, क्या उसका वार कैसा होता है? खून कितना पीती है वो? देखिए दिखने में तो मैंने उसको देखा नहीं।
प्लस वो कौन से वार को आती है वो मुझे पता नहीं है। मैंने उस दिन तक क्या मेरे बस के सामने एक चुड़ैल आई थी, उसने सफेद साड़ी पहनी थी और कह के जैसे वो दिखाई थी तो हम लोग सब घबरा गए। सामान यहाँ वहाँ बिखर गया, मेरा सामान भी बिखर गया था, मंजन के कितने बॉक्सेस वहाँ पे गिर गए, मेरे पैसे भी अंदर रह गए। बाहर में जाए पैसे वैसे उससे कोई लेना देना नहीं, खून कितना पीती है वो। खून तो ये खून पी रहा है अपना, इसको पूछो कितना पीता है वो। बस आ गई, बस आ गई। टिकट ले लो भैया, टिकट ले लो, टिकट ले लो, चलो चल 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 चल। अरे चल नहीं रहो भाई, टिकट ले लो, टिकट ले लो। कहाँ जाना भाई? हाँ जाना है, जाना है कासगंज जाना है हमें। ये बताइए भाई साहब, बस वापस कब आएगी? कल सुबह लौटेगी, टिकट ले लो भैया। कल लौटेगी तो रिटर्न टिकट दे दीजिए। अरे काय को पैसे बर्बाद कर रहे हो भैया, टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। मतलब? मतलब ये है कि जो कासगंज जाता है वो लौट के नहीं आता। टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। मैं नहीं जाता। मतलब क्या है? मतलब जब जाओगे तब समझ में आ जाएगा, ये तो दूसरी बार जा रहे हैं ना। टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। इनको वो एक्सपेरिमेंट करना था इसलिए। चल 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 आगे रहिए, आगे रहिए। अबे आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चल 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 आप आओगे ना? हाँ हाँ चल 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 बबलो। अरे खींच दे, अरे खींच ली हान बजा के पापा। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी क्यों रोक दी? रूपा, रूपा? ये फिर से आ गई। लगता है किसी की जान लेगी। टिकट ले लो भैया, टिकट ले लो। मैंने कहा था ना सफेद साड़ी खुले बाल, खून कितना पीती है वो पता नहीं है। रूपा की आत्मा थी। हेलो, क्या फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.